बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप ये देख रहे हैं माल्टा। इस माल्टे से आज हम बनाएंगे एक मेडिकल क्रीम जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग देगी, फेयर करेगी और स्मूथ करेगी। जैसा कि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है और विटामिन सी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है। ये जो हमारे पास माल्टा है इसको पहले हम पील कर लेंगे। इसके छिलके को हम ग्रेडर लेके उसके ऊपर ऐसे निकाल लेंगे नीचे। तो ये मैंने जो ऑरेंज के छिलके जो थे वो मैंने उनको ग्रेड कर लिया था। अब मैंने उनको रात भर एलोवेरा और रोज़ वाटर में भिगो के रात के लिए, रात भर के लिए रख दिया था। ये हमारे पास रात के भिगे हुए जो हैं माल्टे के छिलके और एलोवेरा का जेल का एक चम्मच है और एक चम्मच ही इसमें रोज़ वाटर है। तो इसको अब हम करेंगे स्टेन। इसको हम स्टेन कर लेंगे और इसके बाद जो हमारे पास नीचे बचेगा वो बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए एक मेडिकल क्रीम बन जाएगी। इसमें हम थोड़ा सा एलोवेरा और ऐड करेंगे जितना हमें ज़रूरत होगी। ये देखें, एक चम्मच एलोवेरा और एक या डेढ़ चम्मच मैंने इसमें रोज़ वाटर डाला था, वो मैंने भिगो के इसको रात के लिए, रात भर के लिए रख दिया था। अब इसमें से हम निकाल लेंगे इसका जूस, विटामिन सी का ख़ज़ाना जो ऑरेंज के छिलकों में होता है। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्रीम है, मैंने बनाई है तो मैंने अपनी दोस्तों के साथ शेयर की, अपनी बहनों के साथ, सबके साथ, सबको बहुत अच्छी और पसंद भी आई सबको। स्किन आपकी बिल्कुल क्लियर एंड क्लीन हो जाएगी। जो आपकी स्किन पे किसी किस्म का भी कोई जो आ रहा है, ब्राइटनेस आएगी आपकी स्किन पे, आप देखेंगे ग्लोइंग इफ़ेक्ट आपको महसूस होगा। ये देखें, इसमें अब हमें चाहिए थोड़ी सी एलोवेरा जेल और ये थोड़ी सी लाइट सी है तो इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल एक चम्मच भर के और इसको करेंगे हम मिक्स। इसमें आपने डालना है एक चीज़ और वो है हमारे पास आंबा हल्दी, जो कि आपके स्किन के जो दाने हैं, जो पिंपल है, वो किसी किस्म का भी कोई भी आपके स्किन पे निशान है वो सब वो हल्दी गायब कर देगी। तो डालते हैं हम इसमें एक या दो चुटकी के करीब हल्दी। ये देखिए, ये मेरे पास हल्दी पड़ी हुई है, प्योर आंबा हल्दी पड़ी हुई है। मैं इसमें डालती हूँ, थोड़ी सी ही चाहिए बस। अब इसमें डालेंगे हम साथ ही बादाम के तेल के चंद कतरे। चलें जी, चंद कतरे आप इसमें बादाम के तेल के डालें और डालें आप इसमें हल्दी। तो ये हमारी क्रीम तैयार है। ये हमारी डे क्रीम है, दिन में आप लगा के इसको फेस पे लगा के अगर वॉश करना चाहें तो वॉश कर लें, नहीं तो आप लगा रहने दें तो भी आपके फेस पे महसूस नहीं होगी कि आपने कोई चीज़ लगाई हुई। इसको डालेंगे एक साफ़ कंटेनर में। साफ़ कंटेनर में डालने के बाद इसको हम कर लेंगे स्टोर। इसको हम बाहर भी रख सकते हैं, आपका दिल करे तो फ्रिज में भी रख दें, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़राब होगी। तो ये आपकी 8-10 दिन के लिए बहुत है। ये आपकी क्रीम 8-10 दिन बड़े आराम से अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। फिर बना लीजिएगा, जब तक ऑरेंज का मौसम है बनाते रहें और अपने फेस पे अप्लाई करके इसका मिरेकल देखते रहें। ये आपने लगानी है और इसके बाद आपने अपना ग्लोइंग देखनी है जी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा इफ़ेक्ट आ रहा है।